हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है, एक नई वैकेंसीज आउट हुई हैं TPSC की तरफ से। TPSC यानी कि त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन अगरतला। अब यार TPSC सोच के ये मत सोचना कि हम तो एलिजिबल होने नहीं वाले। नहीं दोस्त, पूरी ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हो आप तो आप इसमें एलिजिबल होने वाले हो, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से हो, ताल्लुक रखते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई गेट के बेसिस पर रिक्रूटमेंट नहीं है, ये आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट मैं क्लियर कर दूंगा इसमें, एंड में आप कॉन्फिडेंट फील करोगे इस रिक्रूटमेंट को लेकर, ठीक है। तो चलो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट क्लियर करने वाला हूँ। पहले मैं एलिजिबिलिटी बता देता हूँ जिससे कि किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो और केवल मुद्दे और इंपॉर्टेंट वाले स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हों वही आगे कंटिन्यू कर सकें। तो देखो यार, इसमें BE/BTECH हो या डिप्लोमा हो, क्योंकि AE की वैकेंसीज अलग हैं जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं और JEE की वैकेंसीज अलग हैं जो जूनियर इंजीनियर हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो BE/BTECH वाले और डिप्लोमा वाले दोनों एलिजिबल होने वाले हैं। जूनियर इंजीनियर में डिप्लोमा वाले भर सकते हैं और AE में असिस्टेंट इंजीनियर में BE/TECH वाले भर सकते हैं, ठीक है। अब ब्रांचेस की बात करें तो दोस्त असिस्टेंट इंजीनियर स्टेट में कभी भी तीन ब्रांच की ही आती हैं, कंप्यूटर सिविल की, मैकेनिकल की और इलेक्ट्रिकल की। ये तीन ब्रांचेस एलिजिबल होने वाली हैं डिप्लोमा में भी और BE/BTECH में भी, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। चलो अब आगे मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ कि क्या क्या इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या एज क्राइटेरिया है, किस बेसिस पर सिलेक्शन होगा, पे कितना मिलने वाला है, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो पूरे इससे, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं। और यार उससे पहले जो किसी को भी चाहिए कि भैया लिंक विंक कहाँ मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबको मिल जाती है लिंक, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, ठीक है। चलो मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ, कितना नॉन टेक्निकल पोर्शन है, कितना टेक्निकल पोर्शन है। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो कुछ वैकेंसीज हैं डिग्री की। अब डिग्री वाली जो पहले ऊपर की तीन है उसमें डिग्री है आपकी, जो BE/BTECH वाले हैं वो एलिजिबल हैं। नीचे वाली जो तीन वैकेंसीज हैं आपके डिप्लोमा वाली हैं, ठीक है, जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर रिस्पेक्टिव आप वैकेंसी देख सकते हो। देखो अगर आप अगरतला यानी कि केवल त्रिपुरा के हो तो हर वैकेंसी में एलिजिबल हो, रिजर्वेशन भी मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप त्रिपुरा से बाहर के हो, किसी भी इंडियन स्टेट के, तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब देखो सैलरी इसमें 47,600 के आसपास लेवल 13 लिखा हुआ है, तो इन हैंड सैलरी आपको 80,000 प्लस मिलने वाली है, 85,000 के आसपास मिलने वाली है, ठीक है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन वैकेंसी का देखोगे तो सिविल ब्रांच में BE/BTECH वालों 46 आपकी अनरिजर्व्ड है, टोटल 88 है। 6 वैकेंसी मैकेनिकल के लिए, 6 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए। ऐसे ही डिप्लोमा में सेम डिक्टो यही पैटर्न है, यही वैकेंसीज आउट हुई हैं, ठीक है, थीके? इतना क्लियर है। अब देखो नीचे चलते हैं, और भी कुछ यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है वो आप देख लेना। कैटेगरी बी वाला जो है ग्रुप बी, वो आपका BE/BTECH का है। ग्रुप सी वाली जो डिग्री जो वैकेंसीज हैं वो आपके जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज हैं, जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए। ओके माय डियर फ्रेंड, अब देखो डिप्लोमा वाले में केवल डिप्लोमा वाले ही भर सकते हैं, BE/TECH वाले नहीं भर सकते हैं, और BE/TECH वाले में तो सिर्फ BE/TECH वाले ही भर सकते हैं। अब देखो एज की बात करूं तो दोस्त 26/12/2022 तक एज लिमिट काउंट होगी, जब तक आप अगर 40 साल से पहले वाले स्टूडेंट सारे एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो 18 से लेकर 40 के बीच में जो भी हैं सब एलिजिबल हैं, तो कोई दिक्कत कोई टेंशन वाली बात नहीं रह जाती है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो दोस्त इसमें देखो दो पैटर्न है, मतलब तीन तरीके का पैटर्न दे रखा है इन्होंने। ये प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, कोई लेना देना नहीं है उसका कैटेगरी से, जो मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी कोई भी लेना देना नहीं है, बस आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करके ही मेंस में बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है सिलेक्शन प्रोसीजर में। मेंस में आपका ये है, मेंस में आपका 500 नंबर का पेपर होगा, 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 550 में से कट ऑफ आपकी फाइनल कट ऑफ लगाई जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है। देखो यार AE की वैकेंसीज है और UPSC ESC जैसा पैटर्न कर रखा है इन्होंने, ठीक है। प्रीलिम्स के पेपर में क्या क्या आएगा, प्रीलिम्स का पेपर देखो 100 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे जो 10 मार्क्स का है। 80% मार्क्स जो होंगे आपके इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, जो भी आपकी इंजीनियरिंग होगी उससे होंगे, ठीक है। 10 मार्क्स आपके जनरल नॉलेज, करंट इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल वो होने वाले हैं। तो नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का मार के नहीं आना है कि कुछ भी अंटसंट मारा है, ठीक है दोस्त। ऐसे नहीं है कि आँख मीच के गए भैया हाँ मेरे को तो माता दी ने आज मेरे को ज़्यादा अकल दे दी तो भाई इस पर लगाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना है, आपका जो ही है वही होगा। और देखो कंपलसरी अब मेंस एग्जामिनेशन है उसमें क्या होने वाला है, कंपलसरी जनरल स्टडीज 100 मार्क्स का आएगा, बिल्कुल ESC पैटर्न कर रखा है। और ऑप्शनल है, ब्रांच जो भी होगी आपकी 200 मार्क्स के 3 घंटे का मिलेगा उसमें। फिर उसके बाद में इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, उसमें आपको पूरा बताना कि भैया मैं इतने इसके लिए एलिजिबल हूँ, मेरे को नौकरी जरूर चाहिए, तो वो इसमें मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। फिर वैकेंसीज वगैरह ये सब देख लेना। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको क्या होगा, फॉर्म कहाँ भरेगा, एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी आपको, जो इसकी एग्जामिनेशन का सिलेबस, तो जाना साइट पर, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, और 26/11
यानी कि 26 नवंबर से स्टार्ट होंगे एप्लीकेशन, 26/11/2022 या 22 भी लिख देता हूँ वरना अजीब लगता है। उसके बाद में आपको 26/12 तक यानी कि एक महीने का पूरा पूर्णतः टाइम दिया जा रहा है कि भाई साहब आओ भरो हमारे पोर्टल पे और नौकरी लो, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया जा रहे डॉक्यूमेंट वगैरह। एप्लीकेशन फीस की भी बात कर लेता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, गैजेटेड वी जो बी बीटेक वाले स्टूडेंट हैं उनको 350 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको 250 रुपये पे करने पड़ेंगे। ग्रुप सी में जो आपका जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है उसमें 200 रुपये पे करने पड़ेंगे अनरिजर्व कैंडिडेट को और अदर स्टेट वालों को, ठीक है। तो इसमें स्पेशली लिख रखा है कि अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं, यहाँ पे ले भी रख रखा है, ठीक है। और जो आपके रिजर्व कैटेगरी में डिप्लोमा वाले उनको 150 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सब कुछ क्लियर हो चुका है, और कहीं भी कोई भी डाउट आया करे तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, और कुछ ज़्यादा है भी नहीं इसमें, ठीक है। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट और देखो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि मैं आपको सिलेबस, पैटर्न, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ प्रोवाइड करता रहूँ टाइम टू टाइम, ओके। हर नोटिफिकेशन हर टाइम का, हर चीज़ का इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको मिल रहा है। अभी हम प्लान कर रहे हैं कुछ के नॉन टेक्निकल के लिए भी कुछ आए, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स, जितनी भी स्टूडेंट कम्युनिटी है, सबको फायदा हो, ठीक है। अभी और दुरुस्त करने की ज़रूरत है हमें भी, ओके दोस्त। यार एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, यार इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि हमें आप सभी लोगों के लिए हर कंटेंट प्रोवाइड करने में दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन हमारा भी मोटिवेशन रहना चाहिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।